अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं 9.1 लेकर आया हूँ, 9 चैप्टर जो जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 क्लास का 9 चैप्टर, जिसका मैं आगाज करने लगा हूँ स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, जिसमें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो 9.1 का आगाज करने लगा स्टूडेंट, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, जिसमें उसको कह रहा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें हमने 9.1 को यही सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। तो पहला सवाल हम इस पर ही काम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है जिसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेथड बता रहा हूँ कि 30 डिग्री लिखा हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। अच्छा ये देखें, मैंने डिग्री लिखा है, इसे सेक्सागेसिमल भी कहते हैं स्टूडेंट, तो इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, तो अब ये 30 को जब मैं 180 से काटूंगा तो स्टूडेंट ये 6 आ जाएगा और 1 आएगा, ये पाई और 6 आ जाएगा, ये किसमें चला गया है? रेडियन में। अच्छा रेडियन की क्या निशानी होती है स्टूडेंट? अगर पाई की शक्ल में एंगल आ जाए तो उसे हम रेडियन कहते हैं, अगर वो डिजिट की शक्ल में आए 1, 2, 3, 4 जैसे ये 30 था तो ये डिग्री एंगल होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है कि मसलन ये क्या है, मसलन ये देखिए एक कोट यूज देख लेते हैं, सेकंड वाली यूज जिसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री। अब इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई ओवर 180 से। तो स्टूडेंट मैं जब इसे कन्वर्ट करना है तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इससे कट जाएगा पाई 1 बार ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट 9.1 का, ये सारे का सारा इसमें कन्वर्ट होना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। पहला क्वेश्चन सारे का सारा ऐसे सॉल्व होगा जितनी भी यूज है स्टूडेंट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो लिख रहा है कि भाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, मतलब पहला ये देखिए क्वेश्चन पहले जो है पाई ओवर 8, अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है हमने रेडियन को डिग्री में, तो ये 180 ओवर पाई से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो ये पाई पाई से कट जाएगा और ये इससे काटेगा 2, 4 बार, 2, 9 बार, उसके बाद आप देख लें इसे काटते जाएंगे तो आप ये काटते ही चलते जाएंगे, आप 4 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 180 करते जाना, किसमें कन्वर्ट होता जाएगा वो डिग्री रेडियन में चलता जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके सामने एल आर थीटा आएगा, इसमें स्टूडेंट आपसे कभी वो एल का पूछेगा, कभी आर का पूछेगा, कभी थीटा का पूछेगा, अब हमने ये देखकर सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट, वो 9.1 का वो कैसे सॉल्व होता है वो देखेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे थे मसलन देखो 1 लाख की बात करने लगा है, आपको पता है 1 लाख में कितने इंच होते हैं? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा आपको पता है स्टूडेंट पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? पूरे सर्कल का एंगल उसे हम लिखते हैं 2 पाई, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। अच्छा मैंने
पूरे सर्कल के एंटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? 12 हिस्सों में। अच्छा मुझे पता है 12 क्लॉक में कितने एंगल होते हैं? 2 पाई। 12 क्लॉक में कितना एंगल होता है? 2 पाई। अच्छा अगर मैं 1 क्लॉक में घूमता हूं तो वो आपको पता है ये आप 360 से लिख लें 2 पाई को, ये 12 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा जब 1 क्लॉक में 30 डिग्री एंगल है तो 4 क्लॉक में कितना एंगल होगा? तो स्टूडेंट हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 30 तो वो किस में चला जाएगा? ये 120 में चला जाएगा। स्टूडेंट ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने 4 क्लॉक को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री में ये चला गया एंगल। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक घंटे में एक क्लॉक में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, 12 मिनट में 2 पाई होता है 360 जिसे कहते हैं आप, और 4 क्लॉक में आपने कितना एंगल देते हैं? 120। ये था स्टूडेंट मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन। उसके बाद जब 9.1 के आगे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं स्टूडेंट वो एक ही मेथड से होने हैं जिसको मैं मेंशन करने लगूं, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, जिसमें वो कह रहा है फाइन थीटा फाइन करना है आपने और आपको एल दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर और आपको आर दे रहा है सेंटीमीटर। अच्छा आपको कह रहा है थीटा फाइंड करो स्टूडेंट, तो अब आप देखें आपको पता है थीटा एल फार्मूला के एल इज इक्वल टू आर थीटा है। अब आप जब इसमें से थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी एल ओवर आर, तो स्टूडेंट जब आप एल की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 1.5 और ये आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? थीटा में चला जाएगा स्टूडेंट। ये आपकी 9.1 थी स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें उसने इसको डिवाइड करके 0.6 रेडियन लिख दिया स्टूडेंट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कोई मुश्किल काम नहीं, अब 9.1 सारी की सारी इस मेथड से सॉल्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, 6 में कह रहा है, 7 में कह रहा है, 8 में कह रहा है, 9, 10 इतना ही सारे के सारे वो ऑनवर्ड ऐसे ही सॉल्व कर रहा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और 5 से लेकर 14 तक सारे के सारे इस ही मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 14 तक सारे के सारे ही L इज इक्वल टू R थीटा के फार्मूले से सॉल्व हो गए हैं। स्टूडेंट आपने देख लिया कभी वो आपको थीटा कहेगा फाइंड करो, कहीं वो कहेगा L फाइंड करो, कहीं वो कहेगा R फाइंड करो, तो आप इसे आप सॉल्व कर, अगर वो आपको कहता है थीटा फाइंड करो तो आप R को नीचे डिवाइड कर दोगे, अगर वो आपको कहता है L फाइंड करो तो आप इन दोनों के इधर लेके R भी कर लीजिएगा, थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट आप सॉल्व करते जाएंगे आपका ये सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा स्टूडेंट। ये था आपका 9.1 एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।